किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जीत के बाद चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने साफ कह दिया था कि टीम के कोर ग्रुप में बदलाव की जरूरत है। हमें अगले 10 साल के बारे में सोचना है। आईपीएल की शुरुआत में हमने एक टीम बनाई थी जिसने बहुत अच्छा काम किया था। एक समय आता है जब आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है और चीज़ों को अगले जनरेशन को हैंड ओवर करना होता है। धोनी ने कहा कि ये साल हमारे लिए काफी कठिन रहा, लेकिन हम पूरी क्षमता के साथ अगले सीजन में वापसी करेंगे। इसी के लिए हम जाने जाते हैं। इस सीजन में सभी टीमों ने अच्छा खेल दिखाया। अगर आपकी टीम हार रही हो तो ड्रेसिंग रूम पर भी असर पड़ता ही है, लेकिन आप अगर खेल को एंजॉय नहीं करते तो सफर और भी कठिन हो जाता है। जिस तरीके से मेरी टीम ने खेला उससे मुझे खुशी है। धोनी ने ऋतुराज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऋतुराज ने काफी अच्छी बैटिंग की। कोरोना के बाद से वो टीम से बाहर थे। 20 दिन बाद भी ठीक वो नहीं हो सके और फिट नहीं हो पाए। उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी। धोनी ने आईपीएल से उनके संन्यास के अटकलों पर रविवार को विराम लगा दिया। पंजाब के टॉस के दौरान सवाल किए गए कि क्या यहां पर एमएस धोनी का आखिरी मैच होगा, तो उन्होंने साफ कहा डेफिनेटली नॉट। बता दें कि सीजन के 53वें मैच में चेन्नई ने किंग्स इलेवन पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया था। इस हार के साथ पंजाब प्लेऑफ्स की रेस से तो बाहर हुई ही, लेकिन चेन्नई भी बाहर हो गई। बड़ी बात यह है कि चेन्नई की टीम ने अब धोनी के साफ तौर पर बदलाव के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब टीम में बड़े बदलाव होंगे और ऐसे बदलाव होंगे जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एएनपी न्यूज़ रूम से विजेंदर सिंह नेगी की रिपोर्ट।